ट्रैवल करना बहुत ज्यादा पसंद है जिन्हें घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है और किसी चट्टान पर जाकर यहाँ फिर अपने डेस्टिनेशन पर जाकर कुकिंग करना बहुत ज्यादा पसंद है लेकिन पॉइंट ऐसी क्या चीज़ आपके पास हो जिसे आप वहाँ पर जाकर कुकिंग कर सकते हैं एंड इट शुड भी पोर्टेबल हो सो बड़े बड़े सिलेंडर लेकर जाना यहाँ पर इंडक्शन लेकर जाना दैट इज नॉट पॉसिबल तो फिर आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी स्पेशल चीज के बारे में एक ऐसे गैस स्टोव के बारे में जो कि कुछ ऐसा दिखता है तो यस दिस इज पैकिंग और पोर्टेबल गैस स्टोव इसका नाम है बहुत ही जबरदस्त वाली पैकिंग आता है तो अगर आप जैसे मर्जी पटकेंगे चाहे गाड़ी में जैसे मर्जी रखने वाले हैं तो ये सॉलिड रहने वाला है तो चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग वैसे मैं इसकी अनबॉक्सिंग बहुत बार कर चुका हूँ अगर आप मेरी रील्स को फॉलो करते हैं तो तो इस तरह कुछ ये खोला जाता है एंड इस तरह से अंदर निकलता है द बूटिफुल गैस स्टोव तो डब्बे को करते हैं साइड पे एंड इसे रखते हैं तो जिस ब्रांड की तरफ से है ये इट इज फ्रॉम कैम्पिन गैज और ये ब्रांड जो है ये इसी तरह की ट्रैवल एक्सेसरीज बनाता है टेंट्स बनाता है ऑल सब चीजें जो है वो बनाता है एंड अमेजोन पे आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें ये बनाता है तो ये प्रोडक्ट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा बिकॉज ड्यूरेबल है और द बेस्ट पॉइंट इज पोर्टेबल है और देखने में भी अच्छा लगता है बड़े से बड़ा पतीला जो है कंटेनर जो है वो आप इसके ऊपर रख सकते हैं अब कहाँ पर आपको मिलेगा कैसे मिलेगा कितने रुपये मिलेगा सारी डिटेल्स मैं तो आपको इसी वीडियो के अंदर शेयर करूंगा इसलिए वीडियो को एंड तक देखना अब बात की जाए तो भैया तो है ये है 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 तो पॉइंट जो खाली पर पर लगता है आपका गैस लेकिन गैस कहां है? गैस स्टोव 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 लेकिन पे भैया और ये भी इसी ब्रांड की तरफ से है कैंपेन गैस और अभी से हम इंस्टॉल करेंगे उसके बाद बताऊंगा कि भाई कैसे काम करता है आपको तो यहां से लॉक कर देना और एक कंटेनर आपको लॉक हो जाएगा अब देखना। अब ये सॉलिड हो गया यहां से लॉक हो गया पहले अनलॉक था अब यहां से ये लॉक हो चुका है बहुत ईजी रहती है इसकी यूटिलिटी और अब इसे हम यहां से करेंगे बंद अब आप कहेंगे भाई साहब इसे स्टार्ट कैसे करना है कैसे इसे जलाना है तो फिर आपको किसी भी माचिस की की लाइटर की जरूरत नहीं पड़ने वाली है इजिली अगर आप यहां पर देखेंगे इसे अगर मैं घुमाता हूं तो गैस आ रही है एंड वी गो दिस इज अ सिंपल प्रोसेस एक मिनट में इंस्टॉल हो जाता है एंड यू आर गुड टू गो विदर कुकिंग और इस वीडियो में ना मैं सिर्फ आपको ये जलाकर दिखाने वाला इनफैक्ट कुकिंग करके भी दिखाने वाला हूं लेट्स so, का मैगी जो कि दो मिनट में कभी नहीं बनती है तो सारी चीजें हमारे पास आ चुकी है पानी हमारे पास आ चुका है और एक कंटेनर आ चुका है एंड दिस बोल ऑल्सो दिस स्पून ऑल्सो फोक ऑल्सो जो की प्लास्टिक की है और टू मिनट्स मैगी ऑल्सो तो चलिए शुरू करते हैं कई लोगों को सूखी मैगी खाना पसंद है लेकिन मुझे सूप वाली मैगी थोड़ी ज्यादा पसंद है अब डालते हैं मैगी तो दिस इज माई वे ऑफ प्रिपेयरिंग मैगी सबसे पहले मैं बिना इग्निशन ऑन किए पानी डालता हूँ मैगी डालता हूँ उसके बाद मसाला भी डाल देता हूँ एंड आफ्टर दिस इसे हल्का सा हिलाएंगे ताकि मसाला जो है वो थोड़ा सा मिक्स हो जाए पानी के अंदर और अभी काम आता है इग्निशन ऑन करने का विच इज वेरी इजी डायरेक्टली आपने इसको यहाँ से घुमाया एंड सी अ पॉइंट इस अभी ये मैक्सिमम पे है आप इसे कम पे भी कर सकते हैं इसे हल्का सा आपने घुमाना है बिल्कुल स्लो पे भी आ जाता है सो टिल द टाइम में मैगी बनती है तब तक बात कर लेते हैं इसी गैस स्टोव के बारे में तो मैंने कितने रुपए का खरीदा था मैंने अराउंड ट्वेंटी सेवन या फिर ट्वेंटी एट हंड्रेड का खरीदा था और मैंने इसे ऑनलाइन ही खरीदा था मैंने इसे शॉप से, से खरीदा था विद इन माइस सिटी गांधीनगर में लेकिन आप इसे ऑनलाइन खरीद सकते हैं और ऑनलाइन भी आपको इतने रुपये का ही पड़ जाता है पच्चीस छब्बीस सौ रुपये का पड़ जाता है बट द पॉइंट है कि जो सुलंदर गैस है सिलेंडर है छोटे छोटे वो आपको अलग से परचेज़ करने पड़ते हैं एंड आई रिकमेंड यू पीपल कि आप चार गैस सिलेंडर जो एक साथ परचेज़ कर लीजिए जो कि बहुत चीप रेट पे आपको मिलते हैं अराउंड 600 से 700 रुपए में आपको चार गैस सिलेंडर मिल जाएंगे और एक गैस सिलेंडर इतना ज़्यादा चलता है कि आप सोच भी नहीं सकते अगर सिर्फ मैगी की मैं बात करूँ ना तो मैगी अप्रॉक्सीमेटली आप इससे तीस या पैंतीस मैगी बना सकते हो सिर्फ एक ही गैस स्टोव से सो नाउ यू कैन वेरी वेल इमेजन कि एक गैस सिलेंडर ही इसका कितना ज़्यादा आउटपुट देता है तो अभी जो मैं कंटेनर यूज़ कर रहा हूँ ये मैगी वाला कंटेनर है लेकिन ऐसा पॉइंट नहीं है कि आप इसके अंदर सब्ज़ी नहीं बना सकते कई लोग तो इसके अंदर चिकन भी बनाते हैं और इन फ्यूचर अगर मैं कहीं पर किसी ट्रैवल डेस्टिनेशन में जाने वाला हूँ तो फिर मैं इसमें चिकन ज़रूर बनाने वाला हूँ मतलब पॉइंट इज़ के चिकन बनाते टाइम ना ये आउटपुट थोड़ी कम देगा बिकॉज चिकन को गलने में और उससे पकने में टाइम लगता है तो हो सकता है कि भाई आप एक गैस सिलेंडर से सिर्फ तीन या चार बार ही चिकन बना पाओ बट इट इज़ गुड अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं और अपने हाथों से चिकन बना रहे हैं तो फिर इससे अच्छी चीज़ और क्या हो सकती है अगर आप इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं और अगर आप मेरे लिंक से इस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो फिर थोड़ा फायदा मुझे हो जाएगा हाँ प्रोडक्ट आपको उसी प्राइस में मिलेगा बट मुझे थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा तो मेक श्योर sure अगर आप परचेज करने का सोच रहे हैं तो फिर आप मेरे ही लिंक से इसे परचेज करना कोई भी डाउट्स हैं इस प्रोडक्ट को लेकर इस गैस स्टोव को लेकर तो फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं जहां पर भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं एंड इफ यूर ऑन इंस्टाग्राम तो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम पर आपको मिल जाऊंगा आर जे डॉट राहुल डॉट ऑफिशियल के नाम से वहां पर जाइए ड्रॉप मी अ कमेंट कोई भी सवाल है वहां पर पूछिए आपको रिप्लाई इसका तुरंत आएगा और फिलहाल बनने वाली हमारी मैगी देखिए अगर आपका बजट कम है तो फिर ज़रूरी नहीं है आपने इतना बड़ा ही गैस स्टोव लेना है 600 से 700 से 800 रुपए पे पर पे आपको ऐसा ही एक हु बहू गैस स्टोव देखने को मिल जाता है विच इज़ इजी टू कैरी बहुत ज़्यादा पोर्टेबल है और गैस सिलेंडर आप भी उसके साथ लगा सकते हैं अराउंड सात से आठ में आपको अमेजन पर मिल जाएगा सो so, उसका बाय लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर आपको लेना हो तो वहां पर जाकर परचेज कर सकते हैं हाँ वो दिखता कैसा है तो वो आप इस इमेज पे यहां पर देख सकते हैं इस कंटेनर का सिर्फ एक ड्रॉबैक है कि आप इसे किसी भी हिली एरिया पे नहीं रख सकते आपको प्रॉपर स्टेबल जगह चाहिए जहां पर आप इसे रख पाएंगे लेकिन इसकी सबसे बेस्ट बात यही है कि आप इसे कहीं पर भी रख सकते हैं तभी ये बहुत ज़्यादा सडल है टिल द टाइम मैगी बनकर तैयार होती है तब तक बात कर लेते हैं कैमरा सेटअप के बारे में सो so, मेन मेरा जो कैमरा डी एस एल आर वो बिल्कुल मेरे सामने जहाँ पर आप ये देख रहे हैं और टुवर्ड्स माइ दिस साइड जहाँ से ये वीडियो ये फुटेज आ रही है जहाँ से आप इसको देख पा रहे हैं ये शूट हो रही है मेरे आई फोन थर्टीन प्रो से विच इज ऑन सिनेमैटिक मोड और बिल्कुल जूम मोड में मैंने से रखा है ताकि आपको ईजिली ईच एंड एवरी डिटेल दिख जाए और साउंड की बात की जाए तो साउंड जो मैं यूज़ कर रहा हूँ दिस इज अ रोड माइक और आगे पीछे की साउंड कैप्चर करने के लिए ना बिकॉज़ क्या होता है कि ऐसी वीडियोस में साउंड बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती है तो दिस इज़ अनदर माइक और ये मैंने परचेज करा था फ़्रॉम अमेज़ॉन uh, और ये मुझे पड़ा था अराउंड ट्वेंटी सेवन टू ट्वेंटी एट थाउजेंड में विच इज़ अ ब्लूटूथ माइक वायरलेस माइक है और इसकी रेंज जो है वो है दो मीटर तक अगर आपकी वीडियो अच्छी लग रही है तो फिर गिव अ थम्स अप इस वीडियो को लाइक कर देना शेयर करना नहीं करना तो टोटली टो योर कॉल लेकिन हाँ कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल बिकॉज अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो फिर अपना कॉन्फिडेंस जो है ना वो बढ़ता है मोटिवेशन मिलती है अपन को तो भाई साहब अपनी दो मिनट की मैगी इज रेडी और सूप वाली मैगी जैसे मुझे पसंद है मैंने आपको कहा तो वो तो मेरी बनकर रेडी हो चुकी है सो हे वी गो और अपनी सूप वाली मैगी इज रेडी आई नो कि आप में से का मन कर रहा होगा इस टाइम कि भाई काश हम भी मैगी खा पाते हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप मैगी नहीं खा सकते द तो तो पॉइंट इज़ कि जिस वक्त आप इस वीडियो को देख रहे हैं शायद अभी आप मैगी का लुत्फ नहीं इन्जॉय कर सकते सो so, सुबह या फिर दोपहर तो या फिर कल शाम को आप ज़रूर मैगी खा सकते हैं अभी के लिए आपको मेरे साथ ही मैगी खानी पड़ेगी और अगर ये प्रोडक्ट आपको अच्छा लगा तो फिर आपको एक काम करना है आपको इसे सैमजॉन से ऑर्डर करना है एंड मेरे लिंक से अगर आप ऑर्डर करेंगे तो फिर आपको फायदा होगा बट मुझे भी फायदा होने वाला है और ऐसी और प्रोडक्ट्स लेकर मैं आता रहूँगा तब तक के लिए टेक केयर ब बाय एंड सी यू